और भाई साहब इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्री फायर मैक्स में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भाई साहब यहाँ पे ये सब रिवॉर्ड अगर आपको चाहिए क्लेम करना है तो भाई साहब मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दिया है ज्वाइन फ्री फायर मैक्स, उसके आगे लिंक है, ऑफिशियल लिंक है फ्री फायर की, उस पर क्लिक करके आप जाके ज्वाइन कर लो फ्री फायर मैक्स और ये सब आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। भाई साहब मेरी छोटी बहन का चैनल है मुस्कान का किचन, यहाँ पे आपको डेली खाने पीने का रेसिपी मिलते रहेगी, तो यहाँ पे भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। एमआर की बाकी तरफ से एमआर की न्यूज में आपका ओपी वाला वेलकम। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे गेम के अंदर एक नया इवेंट आया है, ये इवेंट तो भाई साहब रात में 12 बजे ही आ गया था, लेकिन यहाँ पे अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वन स्पिन ट्रिक लगा सकते हो आप और यहाँ पे इजीली आप ये क्लेम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अंदर देख सकते हो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, मतलब ज्यादा तो नहीं, टोटल 3 ही अच्छे रिवॉर्ड है। और यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे भाई साहब ये रिवॉर्ड निकलने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, और उसी के साथ अगर नहीं होता ये ट्रिक काम नहीं करती, वैसे भी भाई साहब ट्रिक है ये 100% वर्क नहीं करती, अगर कोई भी चीज 100% वर्क करती है वो ट्रिक नहीं कहलाई जाती है, वो हैक कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये हैक नहीं है, ये ट्रिक है। तो यहां पे आपको बता देता हूं ये करना कैसे है, और अगर नहीं भी होता है तो यहां पे भाई साहब ये देख रहे हो टोकन, 10 टोकन, 5 टोकन, ये टोकन के थ्रू आप ये ले सकते हो, ये जो इमोट है और ये कार की स्किन है ये सब आप बिल्कुल ये टोकन के थ्रू ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हो वो भी बता दूंगा, लेकिन भाई साहब यहां पे मैं डेली गिव अवे कर रहा था गूगल पे का रेडिंग कोड, और आज से नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई साहब यहां पे 50-100 रुपए का गूगल प्ले रेडिंग कोड आपको देता था, उसमें से भाई साहब बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, स्टार्ट ही से आ रहा था कि भाई साहब आप फेक कर रहे हो, काम नहीं करता है, रेडिम हो जाता है। तो भाई साहब अगर आप लोग बेवकूफ हो तो उसमें मैं क्या करूं, क्योंकि ये रेडिम कोड एक ही लोग रेडिम कर सकते हो। अगर आपने जिंदगी में कभी रेडिम नहीं किया है रेडिम कोड को, तो भाई साहब फिर यहाँ पे आके नीचे कमेंट मत किया करो। तो भाई साहब आप लोग के लिए वही गिव अवे अच्छा, जो 2-3 घंटा गिव अवे करते हैं 4-4 हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपया उड़ा देते हैं, आप लोग को लगता है कि रियल गिव अवे जो कि वो एक्चुअल फेक गिव अवे होता है। यहाँ पे भाई साहब उनको 1000 रुपया भी नहीं मिलता यूट्यूब की तरफ से, और वहां पे अपने जेब से 6000 लगाए थे, ये कॉमन सेंस की बात आप ही लोग सोच लो कैसे होता है। यहाँ पे भाई साहब अगर मेरे को 1000 रुपए मिलता, अगर मैं 150 रुपए आप लोग को दे भी रहा हूं तो इसमें से भाई साहब मेरा थोड़ा सा जा रहा है, क्योंकि आप लोग की तरफ से मेरे को मिल रहा है, तो अगर उसमें से थोड़ा सा मैं दे दूंगा तो यहाँ पे भाई साहब मेरा लॉस नहीं होगा, यहाँ पे भाई साहब मेरा बेनिफिट ही होगा कि आप लोग और ज्यादा जुड़ोगे। और यहाँ पे भाई साहब होता क्या, बहुत सारे लोग करते हैं फेक गिव अवे, उसमें आप लोग जाके भरपूर देखते रहते हो लाइव गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन आप लोग हो भी नहीं पाते हो, और वो 6-6 हजार, 10-10 हजार का भाई साहब गिव अवे आपके सामने फेक करके चला जाता और आप लोग को वो लगता है रियल। तो भाई साहब कोई बात नहीं, यहाँ पे भाई साहब मैं अपना यहाँ पे गूगल प्ले का रेडिंग कोड आज से बंद कर रहा हूँ, और यहाँ पे भाई साहब मेरा ही 100-150 रुपया जो भी बचेगा डेली का वो मेरे ही फायदा होने वाला है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोगों को फेक लगता है तो फेक ही लगने दो। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं हमारे गेम के अंदर जो एक नया लक रॉयल आया है मैकलेरन का, आपको यहाँ पे बता दूं इसके अंदर 3 रिवॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता देता हूँ भाई साहब ये ट्रिक है, कोई है कि नहीं है, नीचे कमेंट मत करना फेक ट्रिक बनाया हो तो ऐसा बनाया हो, भाई साहब ट्रिक वर्क करती है, 100% वर्क नहीं करती है। तो ट्रिक क्या करना आपको बता देता हूं, आपको नॉर्मली जो भी आपका कैरेक्टर है आपको अपना कैरेक्टर को चेंज करके ले लेना है एंड्रू कैरेक्टर, जो हमारा पुराना एंड्रू कैरेक्टर था, ठीक है, वो कैरेक्टर को आपको लेके और उसका जो भी कॉस्ट्यूम है, ठीक है, जो भी आप उसके ऊपर कॉस्ट्यूम पहनाए हो, तो यहाँ पे मैं फटाफट एंड्रू कैरेक्टर को लेके आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो मैंने ले लिया एंड्रू कैरेक्टर, और इसका जो भी इस कॉस्ट्यूम था मैंने इसको हटा के एकदम स्टार्ट वाला जो बोट वाला होता है कॉस्ट्यूम वो पहना दिया, और जो गन की स्किन थी सबको अनइक्विप कर दिया, और यहाँ पे जो पैड था उसको भी हटा दिया। इसी तरीके से आपको करना है, और इसके बाद भाई साहब आपको अपना गेम बंद करके वापस से चालू करना है, लेकिन भाई साहब अपना जैसे गेम बंद करोगे तो अपना जो नेट है वो ऑफ करके फ्लाइट मोड पे डाल देना, और वापस से ऑन करके नेट वापस अपना गेम ऑन कर लेना, और जैसे ही ऑन करेगा तो भाई साहब यहां पे डायरेक्ट आ जाना आप लक रॉयल में। जी हां दोस्तों, जैसे ही आप लक रॉयल में आओगे तो उसके बाद यहाँ पे व्यू प्राइस है, तो व्यू प्राइस पे क्लिक करके आपको जो भी ये तीनों रिवॉर्ड में से कोई एक रिवॉर्ड आपको जल्दी निकल जाए तो उसके ऊपर भाई साहब आप कम से कम 15-20 बार क्लिक करो, ठीक है, 15-20 बार इस तरीके से क्लिक करते रहो, और जैसे 15-20 बार हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 15-20 बार आप क्लिक ही करो, ठीक है। जब हो जाए उसके बाद आपको ऑन द स्पॉट आपको करना है क्या है, आपको भाई साहब 40 वाली स्पिन करना है, 400 वाली स्पिन मत करना, क्योंकि 400 वाली स्पिन आपका ज्यादा से ज्यादा डायमंड भी जाएगा और रिवॉर्ड निकलने के कम चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ अगर नहीं भी निकलता है भाई साहब ये ट्रिक से, तो भाई साहब आपको जैसे कि मैंने बताया है ये जो 10 वाला टोकन है, 5 वाला टोकन है, ये टोकन से आप कैसे ले सकते हो, आपको अगर ये टोकन भी मिल जाता तो इसके बारे में बताता हूँ ये कैसे आपको क्लेम करना है। तो ठीक है, यहाँ पे पहले हम इस तरीके से 15-20 बार कर लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने 15-20 बार ऐसे क्लिक कर लिया, इसके बाद आपको ऑन द स्पॉट कर देना है 40 वाली स्पिन। जी हाँ दोस्तों, डोंट रिमाइंड करके 40 वाली स्पिन जैसे आप करोगे तो यहाँ पे भाई साहब आपको चांसेस हो जाएंगे निकलने के अच्छे रिवॉर्ड। तो भाई साहब यहाँ पे मेरे को
टोकन मिल गया है एक, तो ये टोकन आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो बता दूंगा मैं। और यहाँ पे भाई साहब नहीं निकला तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम फिर से कर लेते हैं इसी तरीके से 15-20 बार। हर टाइम आपको यही करना है, 15-20 बार इसी तरीके से आपको क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, 15-20 बार जैसे आप क्लिक कर लोगे तो ऑन द स्पॉट फिर से 40 वाली स्पिन कर देना। और जैसे यहाँ पे करोगे तो भाई साहब आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आपको भाई साहब ये तीनों रिवॉर्ड में से अच्छे रिवॉर्ड मिल जाए। तो यहाँ पे भाई साहब देखिए फिर से टोकन लगता है मिल गया नहीं, यहाँ पे भाई साहब गन कैरेट बॉक्स मिला है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, कोई तो गन कैरेट बॉक्स मिल गया। और इसके बाद फिर से हम कर लेते हैं इसी तरीके से 15-20 बार क्लिक नॉर्मल। इसी तरीके से आप कर करके आप भाई साहब 40 वाली स्पिन करना, 400 वाली मत करना क्योंकि 400 वाली स्पिन में आपका लॉस होगा, 101% बोल रहा हूँ, आपका ज्यादा डायमंड भी जाएगा और लॉस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई साहब फिर से हमने कर लिया 40 की स्पिन। और यहाँ पे भाई साहब फिर से एक एक टोकन, यार कम से कम 10 टोकन मिल जाए तो यहाँ पे हमको रिवॉर्ड अच्छे से जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को 40-40 वाली स्पिन करना है, तो फटाफट मार के देख लेते क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैंने फिर से 40 की मार दिया और यहाँ पे भाई साहब 2 टोकन, मतलब 2-2-4 हो गए अभी। और इसके बाद फिर से हम कर लेते 40 वाली स्पिन और यहाँ पे हमने कर लिया एक और 40 वाली स्पिन। देखते हैं क्या ये टाइम हमको निकल पाता है कि नहीं। वो भाई साहब ये वाइट, ओ भाई साहब यहाँ पे हमको एक पैंट तो काफी टट्टी वाला मिल गया, मतलब टट्टी वाला ही तो है चलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ तो मिल गया। लेकिन यहाँ पे आपको और मेरे को चाहिए ये तीन रिवॉर्ड, ये तीन रिवॉर्ड देखते हमको मिलता है कि नहीं। यहाँ पे मिल जाए तो यार काफी मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई साहब फिर से लगता टोकन ही मिलेगा, तो एक टोकन नहीं मजा आ रही है। यहाँ पे इतने सारे टोकन है 10 के 5 के 4 के 3 के और यहाँ पे सिर्फ मुझे एक एक का मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ 40 की स्पिन और देखते हैं हमको यहाँ मिल पाता है कि नहीं। तो भाई साहब यहाँ पे, ओ भाई साहब हमको 2 टोकन ही मिला। तो यहाँ पे भाई साहब अब बात करता हूँ ये टोकन से आप किस तरीके से ले सकते हो ये तीनों रिवॉर्ड। ये टोकन आपको इस्तेमाल क्या करना है, आपको नॉर्मली आ जाना है स्टोर पे। जैसे स्टोर पे आओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा साइड में, तो यहाँ पे देख सकते हो दिख रहा है आपको यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन। तो यहाँ पे रिडीम पे क्लिक करके और नीचे आ जाना है, यहाँ पे NCLFF करके दिख रहा है। तो भाई साहब ये टोकन के थ्रू आप ये ले सकते हो, देख सकते हो ये इमोट। अगर आपके पास 50 टोकन हो जाता है तो भाई साहब यहाँ पे ये इमोट आप डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपके पास 35 टोकन हो जाता है तो भाई साहब ये वाली कार की स्किन आप ले सकते हो डायरेक्ट एक्सचेंज करके। और अगर आपके पास 25 टोकन हो जाता है तो ये ले सकते हो एक्सचेंज करके। तो भाई साहब यहाँ पे मुझे तो पैंट मिल चुका है, ये जो फीमेल का पैंट मिल गया है। तो यहाँ पे भाई साहब 7 टोकन, अगर एक टोकन और मिल गया होता ना तो भाई साहब यहाँ पे मैं निकाल लेता ये फीमेल वाला जैकेट, क्योंकि मुझे फीमेल का जो पैंट है वो मुझे मिल चुका है। तो भाई साहब यहाँ पे हम कर लेते हैं ये फीमेल वाला शूज 5 टोकन में। आपको बता देता हूँ अभी तो मेरे पास 60 टोकन है, तो ये परमानेंट वाली सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया एक्सचेंज। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे मुझे मिल चुका है ये टोकन के साथ। यहाँ पे इसी तरीके से आप ये कार की स्किन, इमोट है, ये सब आप एक्सचेंज कर सकते हो अगर आपके पास इतने टोकन हो जाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने अपना काम कर दिया, पूरा इवेंट के बारे में डिटेल में बता दिया। और अब बारी है आपकी, आप अपना काम करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस वीडियो की मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए आप अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।